मेरे व्यूवर्स को कुछ क्या बोलना चाहेंगे अलग से? नहीं, तुम्हारे व्यूवर्स को बोलूंगा कि इसको ज्यादा और देखो। सो हाइब्रिडी कैसे है सब यार? अभी मस्त सो के उठा हूँ एंड ये कुछ मेरा नया सेटअप है। ओके, एंड जैसे ही सो के उठा एकदम मस्त वाली गुड न्यूज सुनने को मिली कि मैं मामू बन गया हूँ थर्ड टाइम। ओके, तीसरी बार अपन मामू बन गए। ओके, सो यही है। सो अभी सो के उठा हूँ जस्ट, तो थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। एंड आज का दिन बहुत ज़्यादा तकवा लाने वाला है, बहुत मज़ा आएगी आज। सो मैं हूँ आपका दोस्त सरोज शर्मा अंसारी, आप देख रहे हैं मिस्टर आईजी एक्स्ट्रा। लेट्स बिगिन विद दिस ब्लॉग। ओके, सो मस्त अभी नहाया हूँ एंड एक इशू हो गया यार। सुबह मैंने यहीं पर सेम शॉट लिया विद दिस माइक्रोफोन, बट वो आवाज़ बराबर आई नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने रिकॉर्डिंग में चेक किया तो मैंने ये चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे ब्लैक, मैंने ये ऐड करा तो अभी ये माइक्रोफोन बराबर काम कर रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बराबर काम कर रहा है। ओके, सो अभी जहाँ की बात होती है, जो टाइटल तुम लोगों ने देखा है, जो थंबनेल तुम लोग देख रहे हैं, वहाँ अभी हम लोग को जाना है। ठीक है, सो सुबह के बाद मैं डायरेक्टली अब व्लॉग कर रहा हूँ, दोपहर में मैं एडिट कर रहा था, तो एडिट करने में बहुत टाइम लग गया। ओके, सो अभी चाहते वहाँ पर फटाफट से निकलते। ओके, अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए, लॉबी में बैठे हैं। ये अपने भिंडी और स्टैंड बाई है, ये अपना मुस्सो है भाई, भाई है भाई, ये अपने विश्वकर्मा। यहाँ बैठे हम लोग जस्ट वेटिंग लॉबी में, तो 10 मिनट लगेगा, अराउंड 15 मिनट आज सो बोला है। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा ऑफिस है, मैं भी वहाँ जाके दिखाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, सो ये दो सेक्शन में ऑफिस, एज यू ऑल कैन सी यहाँ पे भी है मेन। ओके, सो यहाँ पे सब काम होते हैं काइंड ऑफ, यहाँ पर भी है। ओके, कुछ इस तरीके का कंप्लीट ऑफिस है इनका। तो अराउंड 10 मिनट हम लोग और वेट कर रहे हैं, फिर हम लोग अंदर जाएंगे। ओके, सो एक्चुअली वो कुछ तो नाम बताए मुझे याद नहीं, वो आए हुए हैं, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा लेट हो गए। तो हम लोग को 6 बजे का टाइम दिया गया था, इस अराउंड मैं बोलूँगा अभी हो गए हैं कितना, 6:13 हो रहा है। तो जस्ट थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। ओके, प्रोबेबली जस्ट थोड़ी देर में जाएंगे अंदर। मतलब ऑडियंस गेन करते हैं पहले, एंड वो हिसाब से फिर ऑडियंस से इंटरेक्शन रहता है। सब्जेक्ट डिपेंड करता है, मतलब कंटेंट अलग अलग कंटेंट रहते हैं। गेमर हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, एंड ये मुझे किसी ने बोला था कि भिवंडी इज मोर एडवांस इन अमेरिका। यस सर, वाज इट राइट? यस सर, यस सर। लोग एक दुनिया है, आप लोगों से किसी ने सोशल डिलेमा देखा? आई सी सोशल डिलेमा। ओके, व्हाट इज सोशल डिलेमा? इट टॉक्स अबाउट हाउ डिजिटल वर्ल्ड हैज एक्चुअली इंपैक्टेड ह्यूमन लाइव्स। उसका पॉजिटिव भी है, वो तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है। सोशल डिलेमा फेसबुक में जो इनिशियल स्टाफ था जिन्होंने काम किया इंस्टा पे या ट्विटर पे, वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। okay. yeah. अच्छी साइड भी डिजिटल मीडिया की और बुरी साइड भी। अभी आप मेरे एप्पल फोन में देखे गए, तो आज
एज ऑफ टुडे मैंने अपना स्क्रीन टाइम 1 hour 17 minutes के लाया जो था 6 hours पे. तो अच्छी साइड भी है फ्री साइड भी है. सुनना यही है अच्छा या बुरा सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इनॉर्मस है ना. इसका मतलब है कि हमारी अच्छाई या बुराई जज की जाएगी सोशल मीडिया से. और उसमें कैसे है कि भिवंडी कहाँ स्टैंड करता है. अच्छा भिवंडी में भिवंडी के बाहर वाले भिवंडी के बारे में क्या सोचते हैं. बहुत सारे लोगों ने कोविड के पीरियड से लेके अभी तक बहुत सारे नेगेटिव वीडियोस बनाए भिवंडी के बारे में. तो वो सच थे गलत थे लेकिन क्या है टीआरपी लेने के लिए अपने चैनल पर एग्जैजरेट किया गया है. बोल रहा हूँ कि हाउ सोशल मीडिया इज मिसयूज. अभी प्रॉब्लम क्या है लोग बहुत समझदार है. देखो ये इम्पैक्ट बाहर करता है. उस वीडियो का इम्पैक्ट भिवंडी में नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ भिवंडी के लोग हकीकत वो आदमी क्या है सबको पता है. एग्जैजरेशन हो रहा है सबको पता है. आईजीएम में जनवरी में अगर कुछ हुआ तो मेरे पास कोई आए ही नहीं. मैं 300 पैसे दिन 24 घंटे तो वहाँ नहीं खड़ा रह सकता. लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वहाँ जहाँ लोग हकीकत तो दिस इज हाउ भिवंडी की इमेज खराब किया. अभी किसी ने बता दिया अरे पीपी गंदगी पड़ी है ये मुझे. हम भिवंडी के लोग भिवंडी के हालात जानते हैं बोलते हैं. तो आप लोग क्या करो जो नेगेटिव कंटेंट होता है ना उसको हमको सही बताना है सही फैक्चुअल बताना है. अरे इसलिए बोलता हूँ एक बच्चे ने एक वीडियो बनाया जब ये ब्रिज खुला था ना कल्याण रोड का सुबह सुबह जाते आते उस बेचारे ने एक वीडियो बनाया. कितनी खुशी की बात है कि हमारे हमारे शहर में एक नया ब्रिज की ओपनिंग हो गई. बिना ओपनिंग के खुल गया. आपको पता है मुंबई में कितना पॉजिटिव फीडबैक हुआ उसका. ब्रांड भिवंडी को उससे हेल्प मिली. अब क्या लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो भिवंडी आएंगे. भिवंडी को इस वक्त इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. भिवंडी को इस वक्त जरूरत है कि लोग आके इन्वेस्ट करें. आज मैं जगह जगह जा रहा हूँ लोगों को बोल रहा हूँ. अभी मेरे तो बड़ी खुशी हुई उस दिन मैं मासूमा में गया तो मुंबई से लोग आए खाना खाने. एक मासूमा चलेगी तो 7 लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. एक मासूमा बंद होगी तो 7 लोग बेरोजगार. सो नाउ वी शुड प्रमोट मोर एंड मोर मोर एंड मोर भिवंडी. हाँ कुछ गलत है तो वो भी बताना चाहिए लेकिन साथ भी ये होना चाहिए कि आज. अच्छा अभी आप मुझे बताओ हम लोग लास्ट ईयर इसी मंथ में मैं आया था मुझे मालूम है शहर की हालत मैं चल नहीं पाता था यार. हालात इम्प्रूव हुए कि नहीं. तो हमको और बताना कि हाँ यहाँ अच्छा हो रहा है या फिर रियल अच्छा आ रहा है प्रोजेक्ट्स अच्छे आ रहे हैं सब ये बोलेंगे ना तो और इम्पैक्ट आएगा और अच्छा होगा. भिवंडी ब्रांड भिवंडी को बनाओ डिजिटली बनाओ. क्योंकि क्या है आज अमेजोन आया ये बच्चे कौन आए थे भाई थोड़ी देर पहले मराठी बच्चे कुछ आए थे तुमने भी तुम लोग आए अंदर तो बहुत सारे बच्चे गए. हाँ सर अमेजोन आया है मैं तुम लोग लीक वीडियो देता हूँ. अभी एक वीडियो है मेरे पास अमेजोन का ट्रायल रन हो गया. उनका पूरा ना एक मशीनरी है कि कैसे इक्विपमेंट जाएगा. अब वो लोग देखेंगे और बोलेंगे भिवंडी में अमेजोन आया तो दूसरे लोग भी आएंगे और ब्रांड का आपको मैंने भिवंडी गूगल करो ओके आपको कितने सारे ब्रांड्स के नाम मिलेंगे. प्रमोट भिवंडी यार है ना. यस और भी अच्छी चीज़ें हैं एजुकेशन के बारे में. अभी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं बिल्डिंग भी अच्छी बन रही है शॉप्स अच्छे बन रहे हैं तो आप प्रमोट करो आप लोग. देखिए हाँ ये अनफॉर्चुनेटली भिवंडी जो कॉरपोरेशन है इसमें कंप्लेन सिस्टम नहीं है. आज भी हम 20 साल पुराने सिस्टम में कि जाके कोई चौकी घूमते हैं वहाँ जाके बोलते हैं कचरा उठा वगैरह. अभी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हाउ मुंबई वर्क्स. मुंबई में आप ट्विटर पे कंप्लेन कर सकते हैं. अब ट्विटर को मॉनिटर करने के लिए हर जगह पे ऑफिसर्स रखे गए और वो ऑफिसर्स कंसर्न स्टाफ को वो कंप्लेन भेजते हैं और फिर अपलोड करते हैं कि योर कंप्लेन हैज बीन अटेंडेड एक्टिवेटेड नॉट रजिस्टर्ड अटेंडेड. आप अगर देखो हमारे यहाँ पे ए से लेके मेरे ख्याल से ए बी सी डी डी टी एस टी वार्ड है. हर वार्ड का अपना ट्विटर हैंडल है. ए वार्ड का है बी वार्ड का है सी वार्ड का है ई वार्ड का सबका है.
हमारे डिपार्टमेंट्स के भी है, हमारे हॉस्पिटल्स के भी है। तो डिजिटल मीडियम को यूज करके कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम बनाया गया। पहले ट्विटर नहीं था ना, तो 350 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके कंप्लेन सिस्टम बनाया गया था ईमेल बेस्ड। लेकिन आज वो कितना सिंपल हो गया। अभी अगर भिवंडी निजामपुरा के जो नगर सेवक है ये डिमांड करे कि भाई मैंने तो हमने तो जैसे ही हम चुन के आए हमने ट्विटर को यूज करने के लिए कहा है, नए कमिश्नर ने आके थोड़ा बहुत शुरू किया है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, तो ये एक सिस्टम बनना चाहिए। वन सेकेंडली क्या होना चाहिए कि एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए जहाँ आदमी फोन कर सके। हर आदमी ट्विटर पे नहीं है, हर आदमी में लेस देन 10% होगा, टोल फ्री नंबर होना चाहिए। फिर भी अगर आप मेरे ट्विटर पे टैग करते हो तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो कंप्लेन आप अगर देखोगे देखेंगे मेरा ई मेल आई देखेंगे आप तो हम लोग किस तरह से BNC उनका इंस्टाग्राम और ट्विटर पे देखो हमने कितनी कंप्लेंट्स उनको फॉरवर्ड की। देखिए नीड टू रिजॉल्व इशू ये है, तो आप देखिए कंटिन्यूसली देखिए जो लोग हमको कंप्लेंट भेजते हैं, देखो ये रोज इस ग्रोथ पे इस तरह से। अभी किसी ने मुझे लेटर भेजा देवी नगर का, तो हम इंश्योर करते हैं कि वो देखिए रही शेक पूरा हम मार्क करके उनको पूरा देख रहे हैं सिग्नेचर्स के साथ आया ये हमने भिवंडी निजामपुर। अभी क्या मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो बोलते हैं कि भिवंडी निजामपुरा के ऑपरेशन में मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ, है ना। सर आप ही बोलेंगे ना, हाँ वही आपके सामने है अभी। हाँ सर, दिस इज व्हाट यू सी, है ना। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसपे हमने उनको बोला है। और कॉमन मैन की कंप्लेन ना मेरे ऑफिस में, चाहे आप रिटन ईमेल करें चाहे आप लेटर भेजिए, हम पूरी कंप्लेन देखिए उनको भेज देते हैं। अभी ये कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर की कंप्लेन है, ठीक है। अभी आप देखिए तो भाई साहब ने मुझे 4 बार कंप्लेन किया, मैंने 4 बार भेजा है लेकिन भिवंडी निजामपुरा से कोई रिप्लाई नहीं है। प्रॉब्लम लोग एक्शन लेते हैं, तो रिफॉर्म की बहुत जरूरत है इस ऑर्गेनाइजेशन में। देखो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, आपका पानी, आपका छोटा सड़क गटर, ये वो सब इनके पास है। नहीं अभी आप हमको, हम अपना प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस है rais@gmail.com, वहाँ लिखिए हम फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ तो रिक्वायर्ड स्टाफ है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम रखा है कि हम कंप्लेन भेज रहे हैं। लेकिन क्या डेमोक्रेसी में एक सिस्टम बनाया गया कि आपका एक रिप्रेजेंटेटिव है जिसको कॉर्पोरेटर बोलते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स उसने अटेंड करना एक्सपेक्टेड है, उनकी भी ऑफिसेज हैं, उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो ये अटेंड करें। नहीं करते हैं तो आप हमको भेजिए, हम डेफिनेटली फॉरवर्ड करेंगे। पर वो रेगुलर है कि कॉन्ट्रैक्ट के हैं कैसे हैं, आप ये कीजिए उनको बोलिए कि ये क्योंकि कैसा है कि सैलरी किसी की कंप्लेन आई नहीं, कंप्लेन ये आई है कि सैलरी के 2 हिस्से हैं, एक कॉरपोरेशन देता है आधा और एक गवर्नमेंट देती है, तो हो सकता है गवर्नमेंट वाला हिस्सा नहीं आया। उनको आप ये बोलिए कि मेरा ईमेल आईडी है rais@gmail.com और एक और है office of MLA rais@gmail.com, उस पर आप भिवंडी में ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स है जो यहाँ से निकल के मुंबई में जाके मूवीज में जो शूट आउट्स होते हैं मॉडल्स वैसे कर रहे हैं लोग, और लोग सिंगिंग में भी करियर बनाए हैं जिनके गाने एकदम पॉपुलर हो रहे हैं, तो उसको देख के लगता है कि भिवंडी से टैलेंट बहुत निकल रहा है। सर एक भिवंडी वाला करके उसका भी गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, रैपर्स रहते हैं उसका बहुत गाना चला था। सर एक्चुअली भिवंडी में जैसे आपने कहा था टैलेंट बहुत है पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है उनके पास। मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूं कि अगर तुम लोग, देखो मेरे पास काम बहुत है, मैं ना मेरी प्रॉब्लम मेरे पास तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा आइडियाज है और मैं उसमें फंस जाता हूँ। मैं एक काम कर सकता हूँ, तुम लोगों को मैं स्पॉन्सर कर सकता हूँ या तुमको सपोर्ट कर सकता हूँ फॉर एन ऑनलाइन फेस्ट। ओके, और मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स है जावेद अख्तर साहब हो गए या मूवीज में मेरे कॉन्टैक्ट्स है ना, उनको लाइनअप कर सकता हूँ कि तुम लोग ऑनलाइन फेस्ट करो। अभी तो आजकल क्या है, यू कैन
यू नो तुम लोग डिफिकल्ट भी नहीं है कोई सिंगिंग है तो वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा इतने बजे से इतने का आएगा लोग तो फ्यूनरल कर रहे हैं ऑनलाइन ऑनलाइन फेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन फेस्ट से ये होगा कि एटलीस्ट स्टार्ट हो जाएगा कि तुम लोग के लिए डिफिकल्ट नहीं होता उसमें क्या होगा कि मैं मेरे पेज पर प्रमोट करूंगा है ना तो क्या होगा कि फिर मैं लिंकअप करूंगा जैसे कि फरीदून मेरा दोस्त है फरीदून को जानते हो जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की इंटरव्यू लेता है फरीदून ने लिया उससे कनेक्ट कर सकते हैं उससे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे बहुत सारे दोस्त एक्टर्स हैं उनको बोल सकता हूँ तो ये यूनिक है कि आप कुछ करो दैट विल बी ग्रेट मजा आया नहीं स्टार्ट हो करके वरना तुमको कोविड के लिए रुकना पड़ेगा भिवंडी के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग इलीगल बिल्डिंग बनाते हैं और मासूम लोग जिनको मालूमात नहीं होती वो लोग ये घर खरीदते हैं सबसे पहले तो अवेयरनेस आप लोग ये फैलाओ एक बात आपको समझाता हूँ कि आप जब इलीगल घर लेते हो तो अपने आप को खतरे में डालते हो आधी अधूरी रह सकती है पूरी भी बन गई तो डेंजर कोई तोड़ सकता है आप लोगों को बोलो कि घर जब ले रहे हो आप सपोज आप घर ले रहे हो और वो घर आपको 10 लाख रुपए में 1000 फुट मिल रहा है आप 10 लाख रुपए में 200 फुट लो लेकिन लीगल क्योंकि घर एक मिल्कियत होता है इट इज अ प्रॉपर्टी इलीगल चीज कभी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती और इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत है अब इसकी सलूशन ये है कि भिवंडी शहर में इलीगल जो बना है उसको भी FSI देना पड़ेगा यानी उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लस्टर रिडेवलपमेंट पॉलिसी बनाना पड़ेगा यानी कि 4-5-6 बिल्डिंग एक साथ मिलके बने और जो लोग इलीगली रह रहे हैं उनको भी FSI मिले और जो बनाएगा उसको भी FSI मिले ऐसी पॉलिसी कॉरपोरेशन ने भी भेजी है हमने भी सरकार के पास भेजी है ये बड़ी लड़ाई भिवंडी का बहुत बड़ा मसला है टेरेंट्स इलीगल बिल्डिंग्स तो ये सब चीज़ है ना इसके ऊपर मैं सरकार से फॉलोअप कर रहा हूँ आप लोगों को पता डेवलपमेंट प्लान क्या है ये बात आपके जरिए पूरे युग तक पहुँचा हर 20 साल में ना एक भिवंडी शहर का नक्शा बनता है कि भिवंडी हम आगे चल के कैसा बनाना चाहते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ डेवलपमेंट प्लान हर शहर 20 साल में एक बार बनाता है भिवंडी शहर का आज से 20 साल पहले डेवलपमेंट प्लान बना इसको इम्प्लीमेंट करने की जवाबदारी कॉरपोरेशन की होती है यानी कि डेवलपमेंट प्लान मतलब कि आपके गार्डन्स कितने होंगे किधर होंगे आपके डिस्पेंसरीज कितने होंगे आपके जिम आपके अलग अलग हर चीज़ के लिए रिजर्वेशन है आपको मैं ना एक पेट लोग के लिए भी गार्डन का रिजर्वेशन दिखा दूंगा भिवंडी के अंदर लेकिन ये 20 साल में ये DP प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हुआ 5% भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कितना 5% भी नहीं इसीलिए हमारा शहर अनप्लान्ड हो गया डेवलपमेंट प्लान से बनता तो डेवलप सिटी होता डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से नहीं बना तो अनप्लान्ड तो DP प्लान फिर बनने जा रहा है ये और मेरी लड़ाई है कि DP प्लान उनको दो जो मुंबई का DP प्लान बना है आज मुंबई के DP प्लान की वजह से ये नगर से होते बॉम्बे के इनके वार्ड में बिकॉज नई DP प्लान ने जरूरत को ध्यान में रखा हमने जब DP नया बनाया इनके वार्ड में स्विमिंग पूल बनने जा रहा है इट वॉज नॉट पॉसिबल इन द ओल्ड डेवलपमेंट अब जैसे जरूरत बदली तो मुंबई ने अपना नया DP प्लान बनाया अब उसके तहत इनके बनने जा रहा है स्विमिंग पूल तो अभी नया DP प्लान बनाना भी कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी पर हमारी लड़ाई उनके साथ चल रही है कि आप पुराने तरीके से मत बनाओ जहाँ सिर्फ तुम्हारी जमीन है तुम्हारी जमीन पे रिजर्वेशन डाल दिया ला पैसा ला या तुम्हारी जमीन है तुम्हारी जमीन से रिजर्वेशन निकाल दिया तो ये ना करते हुए प्रोफेशनल लोगों को DP प्लान बनाने दें ताकि कब्रिस्तान हो चाहे स्लॉटर हाउस हो चाहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो चाहे हमारा सबसे पहले हमारे ओपन स्पेस गार्डन एक और कैंपेन आप लोग चला सकते हो मैं आपको एक लिस्ट दूंगा कि कितने गार्डन प्रपोज किए गए थे 20 साल में और कितने बने तो आप उसके लिए अवेयरनेस कर सकते हो ना कि तुम्हारा गार्डन खा कौन गया आज मेरे को
हल्दा मिल के एक साल हो गया, मैं मीटिंग पे मीटिंग ले रहा हूँ इस भिवंडी कॉरपोरेशन के पास, अपनी इन्वेंट्री तक नहीं है, इसका मतलब लिस्ट नहीं है कि कितने गार्डन थे, कितने प्लेग्राउंड थे, कितने कब्रिस्तान थे, कितनी डिस्पेंसरी थी, और लोगों ने उस पर कब्जे कर हम लेने की कोशिश कर रहे हैं उनसे। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि टीपी प्लान की बहुत इंपॉर्टेंस। आज यूथ बोलना चाह रही है सर, और आज यूथ बोलेगी। सुन रहा भाई, मेरा फेसबुक दिखता है, फेसबुक ट्विटर मेरा भर गया था। मैं पहले सोचता था हर इंडिविजुअल जवाब में था, मैं थक गया था। सर आप आए हो ना तो यूथ को होप मिली है। हाँ, कोई सुन रहा है ना, जब तक तो मेरे को टीम नहीं हो गया कॉर्पोरेशन में, मतलब ऐसा हो रहा है ना कॉर्पोरेशन में लोग इतना झगड़ा कर रहे हैं ना छोटी छोटी चीज पे, कि अभी लास्ट महासभा अभी उन्होंने देखा रही शेख मेरे नाम पे, और एक नगर सर कंप्लेन क्या कर रहा है कि मेरे बोलने पर उसके वार्ड का काम हो गया, होना नहीं चाहिए सर। काम हो रहा है फिर भी काम काम नहीं होने पे तो उसका इंटरव्यू सुनो ना, उसके पूरे इंटरव्यू में ये कहता है कि आमदार के लेटर पे काम होता है, वो नहीं कर रहा है इसके लिए काम हो रहा है ना। अच्छा मुझे क्या जरूरत है यहाँ, मेरे पास काम नहीं है, अब दिल से आए हो मेरे पास काम नहीं है, मैं जाके उसके वार्ड के अंदर वो एक पाइपलाइन के लिए मैं लेकर देके काम कर रहा हूँ, काम नहीं है क्या? अब सोचो वो ये कंप्लेन कर रहा है कि मेरे लेकर के ऊपर काम होता है और उसके लेकर पे काम नहीं होता, तुम कॉर्पोरेटर हो, तुम्हारी कॉर्पोरेशन है, तुम्हारा मेयर है, तुम्हारे सब कुछ है, मैं क्यों आगे इंटरफेयर काम करता है तो उसको बनाने के चक्कर में रह जाता है। तुम लोगों को पता है ना कि करप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब मुझे वो स्पेसिफिक कंप्लेंट दीजिए, हर कंप्लेंट को भेजते हैं और वी आर एवरी कंप्लेंट वी आर ट्राइंग टू कवर। आप तो क्या पहुंच जाओगे तो मैं 10 मिनट में चला जाता हूं। ये मेरा काम नहीं है, मैं फोर्स टू ये करने के लिए, ये नगर सेवक का काम है। बट अभी आपको मैं बिठाऊंगा ना, जितने लोग आते हैं देखो पूरा भरा हुआ है, पूरा ऑफिस भरा हुआ है, सिर्फ नगर पालिका की कंप्लेंट आते हैं, सिर्फ नगर पालिका, या तो फिर टोरेंट है नगर पालिका है और जनरल पर्सनल इश्यूज रहते हैं। पर अगर आप मेरी कंप्लेंट्स को बाइफरकेट करके मेरा रजिस्टर देखेंगे, 80% ऑफ द कंप्लेंट्स आर फ्रॉम नगर पालिका। आप लोग सोचिए आपको सवाल किसको पूछना चाहिए। हम लोग लेकिन हमारी तरफ से हमारा काम नहीं भी होने के बाद कंटिन्यूसली हम लोग जो है हम लोग होस्ट क्या होता है अंदर के ही घर से काम करने लगे शायद करने लगे, क्योंकि कॉर्पोरेशन के स्टाफ को भी काम करने की आदत नहीं है सर, मेरे को लगता है। अभी उनको यही भारी पड़ रहा है कि बायोमेट्रिक हम लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप आओ तो आपका थंप होना चाहिए, जाओ तो थंप होना चाहिए। अब सबको दोपहर में जाके घर पे सोने की आदत है। कि मैंने एक सिंपल चीज कही है, आप अपने नगर सेवकों को बोलो तो इम्प्लीमेंट करें। मुझे वो दिखे एक बार कुछ वो सफाई के लिए वो मेयर निकली थी तो एक्टिंग वाली झाड़ू मार रहे थे वो खुद ही कचरा गिरा के खुद ही वो कर रहा है। ये तो आप लोग ये सब कीजिए ना, आप लोग क्योंकि एक यूथ की मीटिंग में कमिश्नर के साथ कराता हूँ चलिए तो मैं ये 10 लोग हैं यूथ है मैं चाहता हूँ आपके साथ मिले, पर देन सिलेक्टिवली होगा 35 के 35 नहीं मिल पाएंगे। हां वो वेरी सिलेक्टिवली एंड यू कैन टॉक टू माइनर रेगुलर इन टाइम। आप लोगों को जब भी आना है किसी मिनिस्टर से मिलना है, किसी असेंबली देखना है, कहीं भी आना है यू कैन ऑलवेज राइट टू मी, बट एक सिस्टमैटिक मैनर से। यस सर, बट द रिजर्वेशन पास हम लोग ने यहां पर इतनी भीड़ देख लो तो तुम ये लाइव कर रहे हो या बाद में? सर मैं ये ब्लॉग है एडिट करके अपलोड करूँगा।
चलिए मेरे व्यूवर्स को कुछ क्या बोलना चाहेंगे तब से? नहीं तुम्हारे व्यूवर्स को बोलूंगा कि इसको ज्यादा और देखो। नहीं मैं यही बोलूंगा कि तुम्हारे व्यूवर्स खाली भिवंडी में कि पूरे और कहाँ तक है, थोड़ा इंट्रोड्यूस तो करो। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। देखिए भिवंडी का टैलेंट इतना अच्छा है कि आपको कॉन्टेंट पूरे देश में दे रहा है, पूरे इंटरनेशनली भी दे रहा है। तो हमारे बच्चे जो है बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा उनमें टैलेंट है, इनको सपोर्ट कीजिए। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप भिवंडी आइए और देखिए कि हमारा शहर कितना खूबसूरत और कितना अच्छा है। भाई तुम में से किसी को चाहिए ना तो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट एक दिन में मैनेज कर सकता है। सोशल मीडिया चल, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। अभी वाली हाँ वो टेंशन मत ले, तू उसका टेंशन मत ले, तेरा फेस मेरे वो फेस वाली भेजना। हाँ मेरे वो क्लियर वाली भेजना, तू पोस्ट करेगा उसका पता नहीं तेरे को, स्टेटस के लिए चाहिए व्हाट्सएप। हाँ अपने वाले लोग के लिए भाई ना, बहुत तेरे को भी ना ऐसे वो फिर हेरा फेरी में था ना वो ब्लैक वाला, तेरे को ऐसा आधा कट लेना पड़ता है, आधा दिखाना पड़ता है, वो तोड़ना पड़ेगा। तो भाई कितना घंटा लगा? डेढ़ घंटा। बहुत सही बात हुई, बहुत लंबी और मज़ा आ गया, बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात करी गई है। तुम लोगों ने यार मतलब फ्री में बहुत शॉर्ट्स में बताया होगा इसके बारे में, बट लेट्स सी मैं कितना कितना लेंथ जाएगी मुझे ये भी नहीं पता। एक तो ब्लॉग करने से पहले ना एक्चुअली एक दिमाग में ये होता है कि हाँ मैं बनाऊंगा 8 मिनट 10 मिनट का ब्लॉग, 12 13 मिनट का ब्लॉग, लेकिन ये जब मैं बनाने जब बन रहा था ना तो ज़रा भी समझ में नहीं आया कि कितना लंबा ब्लॉग जाएगी, और ये लंबा ब्लॉग है मेरा। हाँ मैं घबरा गया था कि ऑडियंस क्या करेगी, 480 पी पे तो नहीं आ जाएगी, 1080 पी 60 एफ पी से डेटा बचाने के चक्कर में। हाँ भाई ऑफर तो मिला कि भाई हम लोग रईसे का अकाउंट सोशल अकाउंट हैंडल कर सकते हैं, वो खाली मेरे को बोला, और वो ये चीज उन्होंने खुद बोली। हाँ वो क्या बोले, खाली फारूकी कर सकते, कोई फारूकी है बस बस बस। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, पहले तो मास्क लगाना पड़ेगा, मास्क भी लगा। जा रहे हैं गैबी नगर सिटी हॉस्पिटल, क्योंकि मैं मामू बना हूँ। सपनों का शहर गैबी नगर, अबे सब शहर है गैबी नगर, भिवंडी बोले तो गैबी नगर। ओ ये निकाला नहीं क्या यार? ओके सो फाइनली अभी जाके मैं वापस आया। अराउंड यार बहुत लंबा टाइम लग गया, प्रोबेबली 1.5 आवर, डेढ़ घंटा चले गए पूरा वहां पे, एंड जस्ट अमेजिंग मजा आ गया। इतना मतलब यार थॉट प्रोसेस जो है उनका बहुत तगड़ा है, मतलब मैंने ऐसा बंदा कभी नहीं देखा, मतलब मिला ही नहीं मैं कभी ऐसा बंदे से जिसका थॉट प्रोसेस इतना तगड़ा हो। ओके सो एक्चुअली जो उनका जो बोलने का तरीका है एंड जो तरीके से वो मतलब चीज़ों को लेके प्रोसेस होते हैं, एक्ट करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब इंस्पायरिंग लगा। ओके सो यार ऐसे मुझे लगता है ऐसे MLA की सख्त ज़रूरत है, एंड लेट्स सी यार मुझे तो अभी फिलहाल ये नहीं पता कि ये ब्लॉग कितना लंबा बना है। ओके मुझे लगा भी नहीं था कि इतना टाइम हम लोग को मिल जाएगा, इतनी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, नहीं तो मेरे पास बहुत सारे सवाल थे। तो यार बहुत लंबा ब्लॉग बना है, एंड होप यार तुम लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यार, आप में से मुझे पता है काफ़ी सारे नए होंगे, एंड एक चीज़ बतानी थी कि ये मेरा जो है मेन चैनल नहीं है, ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है जिसको मैंने अभी जस्ट कंटिन्यू किया है, अभी स्टार्ट किया है। मतलब है तो ये बहुत पहले से, बट मैं इस पर एक्टिव नहीं था, अब जाके मैं ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ। ओके मेरा मेन चैनल है मिस्टर इंडियन गेमर, जरूर जरूर चेक आउट करना, लिंक सबसे पहली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, सबसे पहली लिंक होगी, उसको ओपन करना, उस पर लाइव स्ट्रीम वगैरह करता हूँ, गेमिंग करता हूँ, टेक वाली वीडियोज़। ओके सो जरूर जरूर चेक कर लेना।
सो गाइस इतना पूरा कंप्लीट ब्लॉग, उम्मीद है तुम लोग को यार ये वाला मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ा सा यार तुम लोगों को कुछ अलग देखने को मिला होगा, यूजुअली जो मेरा कंटेंट है उसे थोड़ा अलग हटके देखने को मिला होगा। कैसा लगा जरूर जरूर कमेंट करके बताना, एंड लाइक करो डिसलाइक करो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कमेंट जरूर करके बताना कि कैसी लगी ये वाला वीडियो, जरूर जरूर कमेंट करके बताओ। एंड अगर नए हो तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करना, और खाली सब्सक्राइब मत करो बेल आइकन दबाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा मेरी वीडियो नहीं देखोगे तब तक सब्सक्राइब करके मतलब क्या, जरूर जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ। थैंक्स वॉचिंग, टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।